त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं वि
विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वीकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत् कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीगणपतिस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च
लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महि पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुनि सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग हिंग हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे।
रचिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। पच्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय श्री माता जी। एवरीवन, श्री माता जी की असीम अनुकंपा में, प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जिन्होंने शिव तत्व को पाया, जिनका गुरु तत्व जागृत हुआ, ना कि वो स्वयं का कल्याण करने के लिए सक्षम है, किंतु जो दूसरों का भी कल्याण करने में सक्षम है, और ये पद, ये स्थिति श्री आदि शक्ति ने हमें मां निर्मला के रूप में आके स्वयं भी प्रदान की, हमें इसका वर दिया,
हमारा वर्णन किया। माँ आदिशक्ति निर्मला, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, जो ब्रह्मांड स्वामिनी है, माँ निर्मला हमारे भीतर, हर प्राणी के भीतर कुंडलिनी स्वरूप में निवास करते हैं। यही वो कारण है जिससे उनके सामने आते ही हमारी मां कुंडलिनी, जो उनका प्रतिबिंब है, तत्क्षण जागृत हो जाते हैं और बाएं हृदय में स्थित हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। और तब हमारे अंदर शिव के तत्व के वरदान प्रकटित होने लगते हैं। शिव तत्व बहुत ही सरलता से मां ने हमें प्रदान किए और वो सभी सहजी भाई बहन जिन्होंने इस तत्व को जाना, उसको पहचाना, उसको प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव के आधार पे इसको परखा कि किस प्रकार से उनके द्वारा लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, उनका कल्याण हो गया। ऐसी सभी दिव्य आत्माएं जो सहज योगियों के रूप में इस मंच पे, इस सामूहिकता में उपस्थित है, आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सबको मेरा सादर नमन। आज की इस गहन ध्यान की श्रृंखला में हम श्री माता जी की शिव तत्व के ऊपर एक अमृत वाणी सुनेंगे, जो बहुत सारी अमृत वाणियों का और अनुभवों का निचोड़ है, चित्त पूरी तरह से हम सभी का सहस्त्रार पे है, मन शांत है। इसी अवस्था में ग्रहण करेंगे कि माँ ने हमें क्या आशीर्वाद दिया, क्या संदेश दिया आज के लिए। जय श्री माता जी। लोग यहाँ गुरु की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु को सारे देवता से, देवियों से ऊंचा माना जाता है। वास्तविक ये गुरु कौन है? इसमें सबसे ज्यादा कौन सी शक्ति संचरित है? ये गुरु तत्व जो है यही शिव है। शिव स्वरूप जो शक्ति है उसी को हमें गुरु की शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु को शक्ति से प्राप्त करते हैं और अंदर वो शक्ति प्लावित होती है, तब आप स्वयं भी गुरु हो जाते हैं। पर कार्य जो इस शक्ति का है वो है आपका कल्याण। जिसको ये शक्ति प्राप्त है उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका कल्याण हो गया।
कल्याण का मतलब छोटे शब्दों में देना बड़ा कठिन है। कल्याण माने हर तरह से साफल्य, हर तरह से प्लावित होना, हर तरह से अलंकृत होना। जब आशीर्वाद में कोई कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये कल्याण क्या है? यही कल्याण, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बगैर आत्म साक्षात्कार के कल्याण नहीं हो सकता, उसकी समझ में नहीं आ सकती और उसको आत्मसात भी नहीं करा जा सकता। ये सब चीज़ें एक साथ कल्याणमय होती हैं और जिसकी वजह से मनुष्य अपने को अत्यंत सुखी, अत्यंत तेजस्वी समझता है। इस कल्याण मार्ग के लिए आपको जो करना पड़ा वो कर लिया, जो मेहनत करनी थी सो कर ली, जो विश्वास धरने थे वो धर लिए, लेकिन अब कल्याण का मार्ग जब मिल गया, जब आपको गुरु ने मंत्र दे दिया कि आपका कल्याण हो जाए, तो क्या चीज़ घटित होगी आपके अंदर? सबसे बड़ी चीज़ समाधान। इसके बाद कुछ खोजना नहीं, आप स्वयं ही गुरु हो गए। अब आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु इस समाधान का जो आशीर्वाद है उसको आप महसूस कर सकेंगे, उसको आप जान सकेंगे और उसमें आप रममाण हो सकते हैं। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक। शारीरिक तकलीफें, शारीरिक दुर्बलता इस कल्याण के मार्ग से साफ हो जाएंगे, आपकी शारीरिक तकलीफें खत्म हो जाएं। ये नहीं हुई तो सोचना है कि अभी कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद आपकी मानसिक दुर्बलताएं जो हैं वो भी कल्याण में सब खत्म हो जानी चाहिए। जो दुर्बलता आपके अंदर मानसिक है, जिसके कारण आप पूरी तरह से खिल नहीं पाते, वो शक्ति इसमें है और आप इसको जब प्राप्त करते हैं तो आपका वाकई कल्याण हो जाता है, माने आप पार हो जाते हैं। इसमें भी श्री महादेव ही सहायक है। जब आपकी कुंडलिनी छेदती है आपके सहस्रार को, सो वहाँ महादेव बैठे हुए हैं, इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव होते हैं। इस कल्याण मार्ग में और बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, उसमें से सबसे बड़ी तो उपलब्धि है शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति और सबसे बढ़कर सांसारिक शांति। संसार की अनेक उपाधियाँ हैं, अनेक तकलीफें हैं, वो सब इसको पाकर, इस कल्याण को पाकर खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग आप देख सकते हैं दुनिया में होते हैं एक आध दो, जो कि इस कल्याण की शक्ति को प्राप्त करके आराम से अपने स्थानापन्न हो करके और ध्यानस्थ हो जाते हैं। यही कल्याण है जिससे मनुष्य में पूरी तरह का संतुलन आ जाता है और वो संतुलन पाने के लिए आपको सिर्फ गुरु शरण लेने चाहिए।
गुरु के शरण जाने से आपके अंदर वो संतुलन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने का नहीं। इस प्रकार का संतुलन एक विलक्षण शक्ति देता है और वो शक्ति में उसे प्रेम की शक्ति कहते हैं। इसे मनुष्य जब प्राप्त करता है तो उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, माने किसी अद्वितीय शक्ति ने उनको आलिंगन किया और उनके अंदर ये शक्ति दी जिससे वो सारी दुनिया की परेशानियाँ, उथल पुथल, असंतुलन सब से ऊपर उठ के एक संतुलन में विचरण करते हैं। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं और वो दूसरे मनुष्य से ही, मानव से ही इसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है और जो स्वयं ही इस चीज़ को प्राप्त किए हुए हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट विच यू कैन ओनली एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज विच सेज दैट दिस गुरुपद यू गेट फ्रॉम समबडी एल्स, बट दैट समबडी एल्स इज सेल्फ इज एंडाउड विद द पावर ऑफ पीस ऑफ माइंड टू बिगिन विद एंड ऑल्सो द पावर टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ अर्थली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व थ्रू योर मेंटल बैलेंस एंड मेंटल ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गुरु। When you become the guru, you yourself have the power to bless others with your blessing power. You can create a guru out of many. And once the guru is created and there is a guru who has this power, it's very satisfying and is very ennobling. The satisfaction is so much that you don't want anything. This is the power of Shiva. You have seen Shiva, doesn't have much clothes, he doesn't decorate himself, he's just sitting in meditative mood all the time. He doesn't want anything. He's so satisfied with himself that he doesn't want anything, and that is the power you get after self-realization if you have a guru, and guru of that level and caliber. One should not try to become a guru. That's very impractical. If you try to become, you will never. It has to come to you automatically, without any asking, without any effort. So the only way you can get to it is through dhyana. Dhyana is meditation. When you meditate, just meditate and meditate. Do not ask for anything. Meditation itself gives you that instrument which can bear this great power of the Guru. And then you automatically you give this power to others. You don't have to work it out. Just in your presence, people can get this power of complete satisfaction. And there is salvation for you and for others.
So all the problems which are faced for the journey of ascent are finished, and you are drenched in the bliss of heavenly peace and joy. That's why it is called as Kaivalya. It's only the blessing. See, that means there is no other word to translate it. There is no other way of explaining it. It's a state. It's a sthiti. It's a state. In that state you have to rise. And you know that you are in that state. It's a very remarkable thing that once you reach that state, you don't have to ask for anything. It's all there and you are so satisfied. I can go on talking about this special power, but I think whatever I have said, please meditate on that. And you are all capable of reaching that state, that state of complete peace and joy. May God bless you. Jai Shri Mataji. आशय हम सभी ने माँ की समृत वाणी को समझा होगा, सुना होगा, ग्रहण किया होगा कि किस प्रकार से हम समाधानी बन जाते हैं, आत्म साक्षात्कार के बाद हमारी सभी शारीरिक और मानसिक समस्याएं खत्म होती चली जाती है स्वयं ही। और यदि ये नहीं हो रहा है तो कहीं कुछ कमी है। माँ ने बताया कि जब हम शिव तत्व को प्राप्त करते हैं, वो गुरु तत्व को प्राप्त करना है, एक ही बात है, क्योंकि शिव कल्याणकारी है, कल्याण करते हैं। और जब हम गुरु बनते हैं, जो कि हम स्वयं नहीं बन सकते, ये हमारे ऊपर शिव का आशीर्वाद आता है, तब हम उस स्थिति में आते हैं कि हम स्वयं भी लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और कल्याण का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। इस पूरी सामूहिकता जो इस समय पूर्ण संतुलन में है, पूरी सामूहिकता के साथ हम सभी लोग आज ध्यान करेंगे, अपने चित्त को जो आत्मा स्वरूप है उसे प्रकाशित करेंगे आत्मा के प्रकाश से। अपने चित्त को बाएं हृदय के अंदर ले आएंगे, बाएं हृदय में उतरते चले जाएंगे, गहरे 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 अंदर 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 अपना चित्त उतारेंगे, अपनी आत्मा को पाएंगे। माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। आत्मा को ढूंढेंगे जो अंगूठे के आकार का एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, ठंडक है, धड़कन है। चित्त को गहरा उतारेंगे बाएं हृदय, माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, निरंतर
ये भाव रखेंगे, मैं साक्षी आपकी इस लीला का जो मेरे जीवन में घटित हो रही है, संसार में घटित हो रही है, मैं करता नहीं, सिर्फ साक्षी, आप ही करता, आप ही भोगता है माँ, मैं भोगता भी नहीं हूँ, न सुख न दुख है मेरा, क्योंकि मैं करता नहीं। हमारा चित्त पूरी तरह से प्रकाशित है, धीरे से इस प्रकाशित चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे माँ जगदम्बा के दरबार में, जगत जननी जगदम्बा, पूरा ब्रह्मांड समाया है माँ के श्री चरण इस स्वरूप, ग्रह नक्षत्र तारे समस्त देवी देवता मध्य हृदय में माँ के श्री चरणों में, समुद्र पर्वत सागर महासागर सब माँ के श्री चरणों में, नमन करेंगे मध्य हृदय में विराज सभी देवी देवताओं को और सबको उनके चक्रों पे महसूस करेंगे, चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त उतार लेंगे, अंदर 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 एकदम अंदर ब्रह्म नाड़ी पे आ जाएंगे, अपने ही अंदर जाना है रीढ़ की हड्डी के अंदर, चित्त को एकदम नीचे ले जाएंगे मूलाधार चक्र पे, रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, हे प्रभु गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, जागृत हो जाइए मेरे हर चक्र पे, जिससे सभी देवी देवता जागृत हो सके, मुझे स्वच्छ कर दीजिए प्रभु गणेश, अपनी समस्त गुण शक्तियां मुझे प्रदान करें, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पिलाएंगे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, पूरी तरह से जागृत है रीढ़ की हड्डी के अंदर बने रहेंगे, अपनी हर चक्र को महसूस करेंगे, नमन करेंगे आशीर्वादित होंगे, शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या ग्रहण करेंगे, नाभि पे आएंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर, श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को नमन कर समस्त वरदानों को समाधानी होने तक सभी वरदान ग्रहण करते रहेंगे नाभि पे, संतुलन पूर्ण संतुलन, पूरा चित्र रीढ़ की हड्डी के अंदर मध्य हृदय में आएंगे, दाएं हृदय में जाएंगे श्री सीताराम के श्री चरणों में, पूरा चित्र रखेंगे मध्य हृदय में आ जाएंगे धीरे से सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, माँ के चिर बालक श्री गणेश कार्तिकेय
श्री भैरवनाथ और श्री हनुमान की शक्तियों के साथ विशुद्धि में आएंगे। गर्दन के नीचे उभरी हुई हड्डी के अंदर विशुद्धि जाएगा। रीढ़ की हड्डी के अंदर नमन करेंगे श्री राधा कृष्ण को। बैक आज्ञा में आएंगे श्री महागणेश। बहुत सुंदर, सभी देवी देवता जागृत हैं पूरी तरह। चित्त को मध्य आज्ञा मिलाएंगे, सबको क्षमा करेंगे पूरी तरह से, आशीर्वादित होके ब्रह्म रंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे, थेम्स नदी में थुलते हुए श्री चरण महसूस करेंगे, उनसे बहता हुआ परम चैतन्य पूरे शरीर में फैल रहा है। प्रार्थना करें हे परम पावनी माँ, शिवलोक तक अपने श्री चरणों के सहारे मुझे ये पूरी यात्रा पार करा दे। मेरे शरीर के बाहर के सभी चक्रों में अब विराजित हो जाए आपके श्री चरणों के सहारे में। ऊपर जाओ, शिव से एकाकारिता प्राप्त करो, मां कृपा कीजिए, मां के श्री चरण अर्ध बिंदु चक्र पे, बिंदु चक्र पे, वलय पे और ऊपर आकाश तक श्री चरणों के सहारे जाएंगे और आकाश से बरसते हुए परम चैतन्य को अपने चित्त से पूरे विश्व में फैला देंगे। विश्व का मानचित्र पूरा चित्त रखेंगे, अमेरिका पे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे महादेव परम चैतन्य से भर देंगे। भीगने देंगे पूरे विश्व को। पंच तत्व को भी चैतन्यित करेंगे, पूरा चित्त पृथ्वी के ऊपर, स्थल स्थल जहां भी धरा है पूरा चित्त धरा पे समा जाएंगे, परमिट कर जाएंगे पृथ्वी के अंदर। पूरी पृथ्वी चैतन्यित हो गई है हमारे चित्त से, कोई नेगेटिविटी नहीं है पूरी पृथ्वी पे। सभी सकारात्मक चीजें बढ़ रही हैं। साधकों को हमारे चित्त से साक्षात्कार मिल रहा है।
चित्त को जल तत्व पे ले जाएंगे, सभी सागर महासागर नदियां झीले झरने पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे, परमीट कर जाएंगे जल तत्व। जल समाधि कोविड पूरी तरह से खत्म हो रहा है पंच तत्वों से चैतन्य के द्वारा। चैतन्य करेंगे पूरे जल तत्व, वायु तत्व में जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड का वायुमंडल समा जाएंगे, परमिट कर जाएंगे। अग्नि तत्व में जाएंगे, पूरा चित्त एकाग्र रखेंगे, पूरे ब्रह्मांड का अग्नि तत्व एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड अग्नि तत्व में परमीट कर जाएंगे, परमीट कर जाएंगे, परमीट कर जाएंगे, परमीट कर जाएंगे अग्नि तत्व। विश्व की सारी नकारात्मकताएं अग्नि तत्व में स्वाहा। स्वाहा। सभी सहज योगियों के आध्यात्मिक उत्थान में आने वाले समस्त बाधाएं इस हवन कुंड में स्वाहा। स्वाहा। सब नकारात्मकताएं बस आकाश में जाएंगे, परमिट करेंगे चित्त को चैतन्य में लीन होने देंगे पूरे आकाश तत्व, भेदन करेंगे अंतरिक्ष में जाएंगे सभी ग्रह नक्षत्र, परमिट कर जाएंगे सबके गुणों और शक्तियों को प्राप्त करेंगे और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य सरोवर में आ जाएंगे श्री सदाशिव प्रभूत लगाए हुए, ध्यान में बैठे हुए बिल्कुल माँ का ही स्वरूप है, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे योग प्रदान करो, अपने अंदर संभालो, अपने अंदर समान समा जाएंगे प्रभु के अंदर समा जाएंगे,
जोड़ने का कार्य था, योग में हो जाएंगे। योग में हो जाएंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे, श्री चरणों में शीश नवा देंगे, अपने चित्त से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, मेरे हाथ पैर मन वचन कर्म आंखों से कानों से शरीर के किसी भी अंग से किसी भी इंद्रिया से यदि आपके खिलाफ इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शिव शिव, मुझे सदैव योग में रखें, आत्मा स्वरूप में रखें। प्रभु, मैं आपके अंदर समा सकूं, इस योग के बनाए रखे ईश्वरीय कार्य का यंत्र बनाए रखे। हम आपके अनंत कोटि ऋणी, अनंत कोटि ऋणी, युगो युगांतर आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, आत्म साक्षात्कार दिया, योग प्रदान किया, अनंत कोटि धन्यवाद मां निर्मला को। पृथ्वी पे भेजा हमें शुद्ध किया, आपको अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे नीचे आएंगे, चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे, अंतरिक्ष में, आकाश में, आकाश से भरपूर विश्व में परम चैतन्य को बरसने देंगे। हमारे चित्त से आया हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व में फैल रहा है, पूरे समाज में, साधकों का कल्याण करता हुआ परम चैतन्य, नकारात्मकताओं का नाश करता हुआ परम चैतन्य, साधकों के सांसारिक जीवन को शांति में आनंद में बनाता हुआ परम चैतन्य जो और बरस रहा है, शिव का प्रसाद परम चैतन्य शांति और आनंद ताई परम चैतन्य। महसूस करेंगे पूरे विश्व में बरस रहा है, हमारे पूरे देश में बरस रहा है, हमारे शहर में बरस रहा है, हमारे घर पे बरस रहा है परम चैतन्य। फेंकने देंगे, बरसने देंगे, बरसने देंगे, पूरे परिवार जनों पे,
पूरे समाज में, हमसे जुड़े सभी लोगों पे, सभी स्थानों पे, नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है, सकारात्मकताएं बढ़ रही, चित्त को सहस्त्रार पे उतारेंगे, माँ के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के इस अनुभव के लिए। हम आपके अनंत कोटि देने, अनंत कोटि धन आत्म साक्षात्कार के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें अपना यंत्र बनाए रखना माँ, धीरे धीरे नीचे आएंगे, आख्या शुक्र मत दे, मत दे में मां जगदम्बा के दरबार में नतमस्तक होंगे, धन्यवाद करेंगे माँ का, माँ की शक्तियों से सहस्त्रार का भेदन हुआ, हे माँ जगदम्बा मेरे हृदय में सदैव जागृत रहना, समस्त शक्तियों के साथ आपको अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि नमन श्री माता जी, अनंत कोटि नमन। विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी, आज के ध्यान को यहीं हम कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता जी, 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 जय श्री बेटा, सभी को जय श्री माता जी, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, अलका दीदी जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।